सभी लोग बेकार हो गए, हमारे ड्राइवर क्लीनर, हमारे क्लर्क, ट्रांसपोर्टर, मालिकान बस सब उनको परेशानी हो गई कि भूखा मुलाजिम भूखा रहना पड़ा। इस बस स्टैंड में कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, सब ठप है, सब कारोबार ठप है, सब ड्राइवर कंडक्टर खलासी लोग मालिक लोग सब बेचारे रो रहे हैं, परेशान है। हम लोगों का रोजी का नुकसान है, परिवार परेशान है, हम लोग परेशान है। यहाँ से कर्जा भी है, गवर्नमेंट का इंश्योरेंस भी है, टैक्स भी है, 600 रुपया गाड़ी का खर्चा है, टैक्स बैठे भी ऐसे ही गवर्नमेंट को देना है। 70,000 एक गाड़ी का इंश्योरेंस है एक साल का, और 1100 रुपया फी महीना पैसेंजर टैक्स है, और टोकन वगैरह ये लगभग 1100 रुपया वो भी बनता है। जो 510 गाड़ियां मैंने आपको किया है उसमें ड्राइवर और क्लीनर होते हैं दो, वो हो गया 1020, और उसके बावजूद जो यहां पर क्लर्क है, बुकिंग क्लर्क जो इलाकों में गाड़ियां बेचते हैं और इलाकों में रहते हैं, वो कम से कम 1000 से ज़्यादा मुझे बेकार पड़े हैं। जब लोग नहीं निकलने देंगे तो कैसे लोग ही नहीं निकलता है घरों में से, टूरिस्ट बसे भी खड़े हैं, लोकल बसे भी खड़े हैं। उस वक्त था वो हड़ताल देता है एक दिन, जो आज हड़ताल उन्होंने किया ये सब के लिए हड़ताल है। जो जिमने ये छेड़ा, इन्हें 370 का जो इसने छेड़ा, ये इसने बहुत गलत किया। गुजारा किधर है, जब गाड़ी हमको बैठ गया 3000 मुझे तनख्वाह है, 2000 बनता दिन महीने को, जो देता है 10-20 रुपये देता था ड्राइवर, आज जब ये खड़ा गाड़ी है तो क्या देगा। आज छोटी गाड़ियाँ जो टाटा सोमो वगैरह वो बहुत ज़्यादा हो गए यहाँ, तो हमारी भी हर साल नज़र रहती थी कि यात्रा पर, यात्रा शुरू होते ही हमारा सीज़न भी शुरू होता था। सबको अनाउंस किया कि जो हिंदुस्तान का बाहर जो सही है वो वापस आइए, ऐसा कीजिए। हमको भी कुछ समझ नहीं आया कि बात क्या है। 370 वापस देना चाहिए।